देखिए मध्य प्रदेश एक अद्भुत प्रदेश है। आपने मध्य प्रदेश की नेचुरल ब्यूटी देखी होगी, मोबाइल में देखी है, लेकिन सचमुच में मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की एक प्रयोग भूमि भी हमने बनाई। अभी मेरे साथी लाडली लक्ष्मी योजना की बात की, हम लाडली लक्ष्मी योजना क्यों लेके आए? मैं चिंतित था, हमारा जो सेक्स रेशियो था वो हमें चिंता में डाल दिया। मुझे मध्यप्रदेश में कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि हाँ, और मैं माताओं को भी ब्लेम करता हूँ, बेटों से ज्यादा लाड़ और बेटों से कम प्यार, आजकल कम हो गया है, लेकिन पहले आमतौर पर। और जब मध्यप्रदेश में 2012 में जब 1000 बेटे पैदा होते थे तो बेटियां जन्म लेती थी केवल 900। तब हमने तय किया कि लाडली लक्ष्मी योजना बनाएंगे, और मेरा संकल्प था कि मध्य प्रदेश में बेटी अगर पैदा होगी तो वो लखपति ही होगी। स्कीम हमने बनाई, और स्कीम में हमने तय किया कि बेटी पैदा होगी तो उसके नाम से हम पहले डिपॉजिट कर देंगे 30,000, और उसको हमने एजुकेशन से अलग अलग, जब पढ़ेगी तो उसको अलग पैसे मिलेंगे, और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो 1,18,000 रुपए मिलेंगे उसको, जो पैदा होगी वो लाडली लक्ष्मी मतलब लखपति ही पैदा होगी। मैं उसका आपको इम्पैक्ट बता रहा हूं। अभी जब भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए तो अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है मध्य प्रदेश की धरती पर, और मैं 1000 जब तक 1000 नहीं हो जाएंगे चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं।